हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक और रेमेडी के साथ फिर से आ गई हूँ। आज एक क्रीम बनाएंगे जो हम मसूर दाल से बनाने वाले हैं। मसूर दाल हर किसी के किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हो ये आपकी स्किन को ब्राइटन कर सकती है, वाइटन कर सकती है। बेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है, क्लीन भी करती है घेराइजर, साथ ही स्किन को ब्लीच करती है, तो स्किन आपकी वाइटन भी हो जाती है, मतलब गोरी स्किन हो जाती है, इससे दाग धब्बे भी रिमूव हो जाते। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच मसूर दाल का पाउडर। भर के स्पून ले रही हूँ क्योंकि हमको ये जो क्रीम बनानी है कम से कम 1 वीक के लिए बनानी है। उसके बाद आप इसको दोबारा से बनाओगे, ठीक है। 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। मसूर दाल का पाउडर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो झटपट से क्रीम बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप मसूर दाल का पहले पाउडर बना लें, उसके बाद ये क्रीम बनाएं। अदरवाइज़ आप मसूर दाल का पाउडर नहीं बनाना चाहते हो तो मसूर दाल को 2 घंटे के लिए भिगा कर रख दीजिए, आप रोज़ वाटर के अंदर या पानी के अंदर उसको भिगा कर छोड़ दीजिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर आपको वो ग्राइंड करना है, ठीक है, पेस्ट बनाना है उसका। अगर आप ऐसे पाउडर लेकर बनाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हमने पाउडर ले लिया, अब मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी। क्रीम बना रहे हैं, रोज़ वाटर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है और आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स स्किन की होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, स्किन पर ग्लो आ जाता है रोज़ वाटर से। तो इसमें मैं इतना रोज़ वाटर ऐड करूँगी कि ये अच्छे से इसमें भीग जाए, ठीक है। और हमें ये 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। हम इसको इसमें रोज़ वाटर डालने के बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसे आपको लिक्विड ही सा एक ऐसे पेस्ट बनाना है। ये देखिए ऐसा पेस्ट आपको इसका बनाना है। दोस्तों जब आप 10 मिनट के बाद इसको देखोगे पेस्ट को, तो आपने लिक्विडी सा जो पेस्ट बनाया था वो ऐसे गाढ़ा सा हो जाएगा क्योंकि जो दाल का पाउडर था वो अच्छे से फूल गया है और ये ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट एक बन चुका है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा बाउल लेना है और इसके अंदर इसको पेस्ट को अच्छे से छान लेना है क्योंकि हमें इसमें जो दरदरा पार्ट है क्रीम बनाने के लिए वो नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट चाहिए जिसकी हमें क्रीम बनानी है। तो इसको मैं छान लूँगी और जो छानने के बाद में जो आपको ये जो मिलेगा मोटा मोटा सा ये दरदरा सा जो आपको पार्ट मिलता है उसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर स्क्रब कर सकते हो, अपने घुटनों पर, अपनी खोपड़ियों पर बहुत अच्छा स्क्रब इससे हो जाता है, तो आप इससे स्क्रब कर लें। ये जो मुझे मिला है ये इससे मैं करूँगी स्क्रब अपने फेस और गर्दन पर, तो मैं इसको रख देती हूँ अलग। अब जो हमें क्रीम बनानी है उसके लिए हमें चाहिए ये स्मूथ सा, बिल्कुल स्मूथ सा, ये देखिए इससे पेस्ट। अब क्रीम बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ज़रा भी अगर स्किन पर कहीं भी डलनेस है उसको ख़त्म कर देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करने का, मैं हमेशा इसको 1-2 ड्रॉप अपनी क्रीम, जो मेरी कोल्ड क्रीम भी है तो उसमें भी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मिक्स करके मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। और जो शाइन फेस पर आती है ना इसको लगाने के बाद, वो आप मतलब ट्राई करके ज़रूर देखेगा, क्योंकि मैं बताऊँगी तो शायद आपको लगे कि मैं ऐसे ही वीडियो की जैसे बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। लगा कर एक बार ज़रूर देखना, फेस पर बहुत ज़्यादा शाइन एंड ग्लो आ जाता है। तो हम इसमें ये मैंने टीस्पून लिया है, तो 2 टीस्पून मैं भर के इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये डाल रही हूँ ग्लिसरीन या जो भी चीज़ इसमें आगे भी ऐड करूँगी वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन की 1 चम्मच ऐड करना, ठीक है। और ग्लिसरीन हाँ एंटीसेप्टिक भी होती है, आपकी स्किन पर जो भी इन्फेक्शन है या एक्ने पिंपल है उस पर उसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप यूज़ कर सकते हो। तो अगली चीज़ हमें इसमें डालना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया एवियन 400, आप ले सकते हो। मैं इसको कट करके डाल दूंगी। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और मैंने विटामिन ई ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है, वीडियो अपलोड की है चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप सबको पसंद भी बहुत आई है और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा इससे हुआ है, तो आप वो ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। तो अब हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया, जो हमें
अगली चीज ऐड करनी है वो मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। ऑलिव ऑयल स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ले रही हूँ ये वाला, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपके पास है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। तो इसमें मिक्स करूंगी 2 चम्मच ही ऑलिव ऑयल। चीज जो हमें इसमें ऐड करनी है वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी मतलब किसी भी तरह की परेशानी को स्किन की एंड हेयर की ये दूर कर सकता है। आप एलोवेरा जेल स्किन पर जरूर यूज करें। और अगर आपकी स्किन में पिंपल एक्ने भी है ना तो भी डेली आप इसको यूज करें। सिंपल प्लेन भी कर लोगे, ऐसे ही लगा लिया करोगे क्रीम की तरह फेस पर, तो भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। और तो मैं इसके अंदर कम से कम 3 चम्मच भर के ऐड कर दूंगी एलोवेरा जेल। तो हमारी स्किन को जो थोड़ा सा थिकन बनाएगा और क्रीम की तरह बनाएगा ना, तो वो ये एलोवेरा जेल ही है। ठीक है, तो मैंने करीब 3 से 4 चम्मच डाल दिया इसमें एलोवेरा जेल। अब आपको बहुत अच्छे से इसको बीट करना है और इतनी अच्छे से कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं सब बिल्कुल परफेक्टली आपस में मिक्स हो जाए। आपको इतना मिक्स करना है इस क्रीम को, थोड़ी फ्लफी हो जाए, जैसे क्रीम होती है मार्केट वाली वैसे ये बन जाए। तो ये देखिए, ये इस तरह की क्रीम आपकी बन जाएगी। अपना सोने से पहले फेस को वॉश करना है, गर्दन को वॉश करना है, हाथ पैरों पर भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद ये क्रीम आपको लेनी है और अपने फेस पर ऐसे अप्लाई करके इससे आपको मसाज करना है 10 मिनट। ठीक है, अच्छे से लगाइए और फेस पर आपको मसाज करना है। और देखिए, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने ये क्रीम घर पर बनाई है। बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीम लगेगी अप्लाई करने के बाद भी, इतना ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, गहराई तक आपकी स्किन में जाएगी। इसको इतना मतलब मसाज करना है कि आपके स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए और उसको छोड़ देना है। आपको सुबह में अपने फेस को वॉश करना है, रात में वॉश नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसे पता नहीं चलेगा कि आपने फेस पर लगाया है। ये अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम फेस पर लग गई है या रह गई है या कुछ है, तो उसको वॉश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कोई भी टिश्यू पेपर ले लें और या कॉटन का कपड़ा ले लें और इस तरह से अपने फेस को आप इससे पोंछ दें, ऐसे ही छोड़ दें और सो जाएं। सुबह ही आपको फेस को वॉश करना है, सुबह ही आपको फेस वॉश यूज़ करना है, रात में इसको वॉश नहीं करना। 1 वीक तक यूज कर लीजिए, इसको स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में स्टोर करना है और 1 वीक तक यूज कीजिएगा। चेहरे की आपके ये डार्क स्पॉट्स को दूर करेगी, पिगमेंटेशन को दूर करेगी, कालेपन को दूर करेगी। और एक मतलब पोल्यूशन की वजह से या किसी भी वजह से स्किन पर जो कालापन आ जाता है, डलनेस आ जाती है, धूप की वजह से जो टैनिंग आ जाती है, वो सारी प्रॉब्लम ये दूर करेगी। बेस्ट एंटी एजिंग एंड स्किन वाइटनिंग क्रीम है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो प्लीज़ बनाइए एंड यूज़ कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।